ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय शनि और गुरु दोनों ही उल्टी चाल चल रहे हैं। ऐसे में गुरु शनि का वक्री होना कुछ राशियों पर भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शुभ माना गया है। इस समय गुरु ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार बृहस्पति देव बीते 29 जुलाई से वक्री स्थिति में हैं, वहीं सूर्य पुत्र शनिदेव 5 जुलाई 2022 से वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति आगामी 23 नवंबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, जबकि शनिदेव 23 अक्टूबर तक मकर राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों के वक्री होने का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि शनि और गुरु की उल्टी दशा किन राशियों को परेशान कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और गुरु के वक्री स्थिति में होने से वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहना होगा जो कि शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन राशियों को शनि गुरु के वक्री होने से सतर्क रहना होगा। सबसे पहले है कन्या राशि। इस दौरान कन्या राशि के जातक को ही सतर्क रहना होगा। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है कर्क राशि। गुरु शनि की वक्री अवस्था के दौरान कर्क राशि के जातकों को मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। बाद में आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों को इस दौरान चिंता और अवसाद हो सकती है, ऐसे में इस दौरान विशेष सावधान रहने की जरूरत है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु शनि का वक्री शुभ नहीं रहेगा, ऐसे में इस दौरान सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि गुरु के लिए क्या करें उपाय। शनि और गुरु की दिशा से परेशान हैं तो रोजाना सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। इसके साथ ही बृहस्पति और शनि के बीच मंत्र का जाप करें। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन केले और शनिवार को काले तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि और बृहस्पति की दशा में लाभ हो सकता है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तुरंत अपने चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट पाए।